चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला तो फिर चीन का असली रंग भी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि छिपा रुस्तम चीन सबके सामने आ गया। उसने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ धोखा किया, गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमला किया और फिर उसके बाद अमेरिका तो चीन पर आग बबूला है ही, लेकिन फिर चीन भी अपनी रणनीतियों को लगातार अंजाम देने में लगा हुआ है। पाकिस्तान तो पहले ही उसे अपना आका बनाकर बैठा है, उसके बाद नेपाल के पीएम को भी चीन ने अपनी गोद में बैठा लिया है और इन दोनों देशों के बाद अब चीन बांग्लादेश को मनाने में लग गया है और बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ होता देख अमेरिका परेशान हो गया है, जिसके बाद बांग्लादेश को चीन की तरफ जाने से रोकने के लिए अमेरिका एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। ये कदम होगा कि जिस अमेरिका ने अभी तक देश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के आरोपी को अपने यहाँ शरण दी हुई थी, उसे वो बांग्लादेश को सौंप सकता है। जी हाँ, साल 1975 के तख्ता पलट और बांग्लादेश के पहले पीएम रहमान की हत्या के आरोपी राशिद चौधरी को साल 2006 में अमेरिका में शरण दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी के वकीलों ने कहा है कि अमेरिका का न्याय विभाग चौधरी को बांग्लादेश भेज सकता है और बांग्लादेश पहले से ही चौधरी के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने इस मुद्दे को अपने देश में आने वाले हर अमेरिकी अधिकारी के सामने उठाया है। चौधरी पर आरोप तय किए जा चुके हैं और दोषी भी करार दिया जा चुका है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का ये कदम शेख हसीना को चीन की तरफ जाने से रोक पाता है या नहीं, क्योंकि शेख हसीना का चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव कुछ ऐसा है कि उन्होंने भारत के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को धीमा किया है और ढाका और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दी है। साथ ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से वो अक्सर फोन पर बातें करती हैं।